हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच जे अकेडमी। आज हम क्लास 10 की साइंस चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। उसका चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, क्योंकि इस बार के एग्जाम में इस चैप्टर से जरूर आएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि भाई इंडिकेटर होता क्या है। इंडिकेटर कहने का मतलब है, देखते हैं पढ़ेंगे तो उसके बाद समझ में आएगा। इंडिकेटर आर द सब्सटेंस विद द इंडिकेटेड द एसिड एंड बेस नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर। कहने का मतलब है इंडिकेटर वो देखता है कि भाई एसिड बेस सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंस डालते हैं या पता करना है तो उसमें एसिड है कि बेस है कि नहीं, ठीक है। उसका मतलब क्या था इंडिकेटर विदाउट कलर की बात करें तो हमें पता चलता है कि भाई एसिड में कौन सा कलर, पता है भाई कोई सब्सटेंस है उसमें एसिड मिलाने में तो कौन सा कलर हो जाता है। तो भाई कलर से ही हम लोग क्या करेंगे, पहचान करेंगे, ओके। आइए हम लोग देखते हैं इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो जहाँ तक मैं बात देखिए, इंडिकेटर हमारे कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के, ओके। पहला है नेचुरल इंडिकेटर, ओके। पहला है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा है ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर और तीसरा है सिंथेटिक्स इंडिकेटर। कहने का मतलब है हम पहले नेचुरल के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑल्फैक्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर सिंथेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखेंगे भाई नेचुरल होता क्या है, भाई नेचुरल इंडिकेटर कौन होते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। ध्यान दीजिए, नेचुरल इंडिकेटर इंडिकेटर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। कहने का मतलब जो हमारे वातावरण मतलब नेचुरल में जो भी मिलता है वो हमारा क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। जैसे हम बात करें लिटमस पेपर की, बात लिटमस पेपर एक प्लांट का से निकला कि पेपर है, प्लांट से ही हुआ है। टर्मिक क्या, जैसे आपने हल्दी सुना हो, टर्मिक क्या हल्दी है, ये भी हमारा क्या है नेचुरल। रेड कैबेज, यदि मैं बात करूँ एक रेड कैबेज हम लोग देखते हैं, पत्ता गोभी देखा होगा तो हम रेड कलर के वो क्या होता है, रेड कैबेज होता है। चाइना रोज, चाइना रोज यदि बात करूँ, मैं गुलहर की बात कर रहा हूँ, गुलहर की फूल होता है उसे क्या कहते हैं, वो भी हमारा क्या है नेचुरल सोर्स। आइए इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई इसमें एसिड और बेस में जानते ही मान अपना क्या चेंजिंग होता है, क्या परिवर्तन है, तभी पता पाएंगे भाई एसिड है कि बेस है, ठीक है। पहचान करने के लिए तरीका ये है, आइए हम लोग देखते हैं। आज पहले शुरू करते हैं, आप देखिए ये हमारा लिटमस पेपर है, डायग्राम देखिए पिक्चर आराम से अच्छा। टर्मिंग मतलब हल्दी का और चाइना रोज ये है और रेड कैबेज का मैंने डायग्राम देखिए, अभी आगे एक्सपेरिमेंट में दिखाएंगे आपको कि रेड कैबेज कैसे होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, ये देखिए लिटमस पेपर, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। लिटमस पेपर की बात करें तो हम लोग जानते हैं नेचुरल सोर्स से है, ठीक है। तो लिटमस पेपर काम क्या है, द लिटमस इज द ऑब्टेन फ्रॉम द लाइट विद द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस पेपर या पेपर पर्पल इन कलर, या कहने में पर्पल कलर नहीं कह सकते, तो मैं कहूँ तो रेड और ब्लू कलर के होते हैं हमारे क्या था लिटमस पेपर, ठीक है, गलत है। तो यदि मैं आपसे बात करूँ, ध्यान दीजिए कह रहा है यदि कोई लिटमस पेपर टर्न एट द ब्लू कलर टू लिटमस एट द पेपर ऑफ द रेड, कहने का मतलब जो लिटमस पेपर ब्लू कलर का है वो किस रूप में बदल जा रहा है, रेड में बदल जाए भाई, वो कैसे। यदि मैं बात करूँ यदि एसिड में, लिटमस पेपर तभी बदलता है ब्लू से रेड जब कोई एसिड होगा तभी वो चेंज होगा, ओके। यदि मैं फिर उसके बाद कोई लिटमस पेपर कैसा है रेड है और वो क्या हो जाता है बेस में जाता है ब्लू हो जाता है, ठीक है। यदि मैं कोई नींबू की बात करूँ, लेमन की बात करूँ, यदि लेमन का भी पता चलना है कि हमारा वो एसिडिक नेचर वाला है, उसमें कैसे पता चले भाई हमने कोई ब्लू लिटमस पेपर का डाला तो वो क्या रेड में बदल जाता है। आइए हम लोग पिक्चर में देखेंगे तो समझ में आएगा, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये एसिड है और ये बेस है, ध्यान दीजिए समझ में आएगा, ठीक है। अब कह रहा है भाई एसिड है, एसिड के अंदर हमने क्या ब्लू कोई लिटमस पेपर को क्या गया डाला, वो किस बदल में गया रेड में बदल जाता, किस रूप में बदल जाता है रेड में, ओके, कोई तक कंफ्यूजन नहीं। तो यदि हम कहते मुझे यदि कोई एसिड है उसमें यदि हम ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो रेड में बदल देता है। यदि आपसे सोचो कि भाई ब्लू है यदि हम रेड को लिटमस पेपर को डालें तो रेड होगा, तो भाई कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि भाई रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा, क्या कोई चेंज होगा एसिड में, नहीं। हाँ यदि मैं रेड लिटमस पेपर को यदि मैं बेस में डालूँ, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या होगा वो ब्लू कलर में हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम कहें कि भाई वही ब्लू लिटमस पेपर को यदि हम बेस में डालें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है यदि कोई एसिड एसिड के अंदर यदि ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालते हैं तो वो किस कलर में हो जाता है, रेड में हो जाता है, ओके, समझ में आया।
रेड में होती। यदि बेस में यदि हम रेड लिटमस पेपर को यदि डालते हैं उसमें, तो क्या हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल लेमन, यदि एसिड क्या है, लेमन है, और बेस क्या, वॉशिंग सोडा समझ लीजिए सबसे अच्छा। उसमें यदि डालते हैं एसिड लेमन में, लिटमस पेपर को यदि टच करें, जितना पार्ट टच करेंगे उसमें क्या, वो रेड में ब्लू से क्या हो जाए, रेड में चेंज हो जाएगा। ओके, वैसे साइड में यदि देखेंगे इसमें बेस में, तो ये जो रेड रहे वो किस रूप में हो जाएगा, ब्लू में हो जाएगा। ओके, चलिए आज हम लोग दूसरा है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए टर्मरिक का मतलब हल्दी का है, देखिए ठीक है, ध्यान दीजिए, कह रहा है टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। जो टर्मरिक होता है मतलब हल्दी है हमारा, क्या नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, ये किस कलर का होता है, रेड, सॉरी येलो कलर का होता है। ठीक है, किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। येलो कलर जो हमारा क्या टर्मरिक होता है, देखिए ध्यान दिए, डायग्राम भी देखिए, जो टर्मरिक सोल्यूशन द पेपर ऑफ द रेडिश कलर इन इन विच बेस, रेडिश कलर कब होता है, जब बेस में मिलाते हैं तो रेड कलर में रेडिश कलर में बदल जाता है। कैसे, येलो से क्या बना रहा है, रेडिश बना रहा है। टर्मरिक डज नॉट चेंज इन द एसिड, यदि मैं हल्दी के बाद हल्दी येलो कलर का यदि हम एसिड डालते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल रूप में। मैंने कहा ये क्या टर्मरिक है, येलो कलर का हमारा है, हल्दी का पाउडर है, उसमें क्या वाटर डाल के ले मतलब लिक्विड में रख लिया, वो क्या किया, रख लिए, दो गिलास है। ठीक है, पहले मैंने कहा ये कोई एसिड है, क्या है, एसिड, और ये हमारा क्या है, बेस है, जान दीजिए। ठीक है, यदि एसिड की बात करें तो हम कोई लेमन जूस या नींबू का रस ले लें। ठीक है, ये क्या है, वॉशिंग पाउडर भी समझ लीजिए, यस ठीक है, या वॉशिंग सोडा, कोई दिक्कत, वो भी क्या लिक्विड, ये नहीं कि सॉरी लिक्विड में रहेगा, पानी में डिजॉल्व करिए तब इसमें क्या मिलाइए। पहले यदि मैं बात करूँ, यदि एसिड को यदि हम इसमें मिलाते हैं तो क्या कोई चेंज हुआ, क्या नहीं है ना, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, येलो कलर में ही रहेगा। लेकिन यदि हम बेस को यदि मिलाते हैं तो किस कलर में हो रहा है, ये रेडिश कलर में हो रहा है, कोई दिक्कत, रेडिश ब्राउन कलर में। ठीक है, आइए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं चाइना रोज। यदि चाइना रोज मतलब कि मैंने भी बताया गुलहर का फूल होता है, आप देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा डायग्राम है, पिक्चर है, कह रहा है चाइना रोज कन्वर्जन मतलब एसिड सॉल्यूशन। यदि हम कहें चाइना रोज के, अब चाइना रोज कैसे कर भाई, फूल तो डालोगे नहीं, तो मैं कहता हूँ पहले इसका क्या लिक्विड बनाइए। लिक्विड बनाने के दो ही तरीका है, या उसका रस निकाल लीजिए निचोड़ के, या उबाल लीजिए पानी में, गर्म क्या बॉयल कर लीजिए उसको, क्या किसी चीज़ में छान लीजिए। ठीक है, छानने के बाद हमने कहा कोई एसिड है, कोई बेस है, कोई इंडिकेटर मतलब न्यूट्रल है, समझ, अब ध्यान दीजिए। मैंने कहा यदि गुलहर का जो लिक्विड मैंने निकाला है उसमें यदि एसिड में डालते हैं तो किस कलर का हो जाता है, ध्यान दीजिए, डार्क पिंक कलर सोने शो करने लगता है। यदि बेसिक बेस में डालने में क्या होता है, ग्रीनिश कलर हो जाता है। समझ में आया, समझ में आया आप लोग को, ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग रेड कैबेज, यदि मैंने कहा तो रेड कैबेज क्या होता है, पत्ता गोभी आपने मार्केट में देखा होगा, शायद आप लोग रेड कैबेज नहीं देखा होगा, तो आज मैं दिखा देता हूँ आप लोग को कैसे दिखता है, देखिए जाइए, ये हमारा रेड कैबेज है। ठीक है, अब रेड कैबेज में यदि एसिड में जाने और बेस में जाने में क्या होता है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ भाई रेड कैबेज है वो भी एक वजह से चाइना रोज की तरह ही वो ऐसे है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले पीसेस में काट लेंगे। ठीक है, फिर किसी चीज़ में क्या करेंगे, रख लेंगे, उसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद किसी जार या टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, कैसे, छान के, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट छान कलेक्ट कर लेंगे। छानने के बाद हमने कहा कोई एसिड है, कोई बेस है, ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं कि एसिड में क्या होता है। द जूस ऑफ द रेड कैबेज इज द ओरिजिनली और द पर्पल इन कलर, यदि मैं रेड कैबेज की बात करूँ तो वो किस कलर का ओरिजिनली कलर होता है, पर्पल इन कलर में होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं जूस ऑफ रेड कैबेज इट टर्न आउट रेडिश विद द एसिड, आप सुनिए, यदि मैं रेड कैबेज का यदि जूस किसी एसिड में डालूं, कहते मैंने कहा ये कोई जूस है हमारा रेड कैबेज का पर्पल इन कलर, मैंने कहा उसको एसिड में डाल दिया। ठीक है, इन्हें कि उसके अंदर एसिड डालो, एसिड के अंदर हम इसको डालेंगे रेड कैबेज के जूस को, ओके, तो वो क्या था, रेडिश कलर में बदल जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, देखिए ध्यान दीजिए, रेडिश इज कलर, लेकिन इसमें एसिड में, अब ध्यान दीजिए, अब बेस में बात करो तो यदि हम बेस में यदि रेड कैबेज का जूस को डालें तो किस कलर में हो जाता है, ग्रीनिश कलर में हो जाता है, कोई डाउट नहीं ना। आइए हम लोग अगला देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं भाई, हमने नेचुरल इंडिकेटर के बारे में जान गए हैं, अब हम लेते हैं ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर वो होते हैं, और मैं जैसे स्मेल, यदि मैं कहूँ कोई चीज़ है वो एसिड और बेस डालने में कहते हैं कि अपनी स्मेल मतलब खुशबू महक, जो भी बोलते हैं
वो क्या करते हैं, खो देते हैं, कुछ भी जाके नहीं खोते। अब हमें देखना कि एसिड में खोता है कि बेस में खोता है। तो हम लोग आज पहले देते हैं एग्जाम्पल, द सब्सटेंस विद द चेंज इन द स्मेल विद द मिक्स विद द एसिड एंड बेस आर नाउ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। बात वही मैंने कहा, जब एसिड बेस में यदि कोई चीज़ मिले तो अपनी स्मेलिंग क्या करे, या खो दे या ना खोए, बात एक ही है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हमने एग्जाम्पल देखे ऑनियन और वनीला। ओके, ओनियन तो आप जानते ही हैं और वनीला भी जान ही जाएंगे, देखेंगे डायग्राम तो ठीक है। आइए देखते हैं डायग्राम, जब ये देखते हैं और पूरे सब कुछ देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए यदि मैं ओनियन की बात करूँ, प्याज की बात करूँ, तो देखते हैं कि खाते पीते तो स्मेलिंग आती रहती है, बहुत कहते आज प्याज खाओ तो बात ही होती है, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं पस्टर जूस ऑफ द ओनियन लॉस ऑफ द स्मेल विद द एड टू बेस। यदि मैं बात करूँ, कहते हैं एसी, देखिए बेस में यदि ओनियन मिलाया जाता है या ओनियन के अंदर बेस मिलाया जाए, बात एक है, तो अपना क्या स्मेलिंग जो खुशबू होता है वो क्या खोने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। डज नॉट चेंज इन द एसिड, सम जो स्मेल होता है वो एसिड में क्या करता है, खोता नहीं है। ओके, समझ में आया। आप ध्यान दीजिए वनीला में देख लीजिए, वनीला स्मेल इज द वनीला स्टिप ऑफ द एसिड बेस। भाई स्मेलिंग जो होता है तो बेस में वो भी वनीला भी चेंज नहीं करता, लेकिन क्या करेंगे, बेस में क्या करें, स्मेल अपना चेंज कर देते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट चेंज करते हैं। लेकिन यदि बेस की बात एसिड की बात करें तो क्या करता है, चेंज नहीं होता। देखिए द नॉट वन इज विद द एसिड, कहने का मतलब एसिड में अपना जो स्मेल होता है वो नहीं खोता। देखिए हम लोग डायग्राम में देखें तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, रिटेनेज मतलब होता है, रिटेन मतलब होता है कि नहीं खोना, ठीक है। यदि आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आप ये ना खोने की बात करेगा, ठीक है, इसका मतलब ही हिंदी में, ठीक है, कोई स्मेलिंग में कोई चेंजिंग नहीं, वैसे ही रहेगा। अब देखिए ओनियन है और वनीला है, ठीक है, मैंने कहा कोई एसिड मिला तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन बेस में क्या कर लूज कर रहा है, लूज मतलब क्या, अपनी स्मेलिंग क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। अब वनीला में देखिए वैसे ही है, ये क्या अपना कोई चेंजिंग नहीं कर, लेकिन क्या करते हैं बेस में अपना क्या करता है, चेंज करने मतलब कम करने लगता, ठीक है, काफ़ी जल्दी करता है वनीला, ठीक है, बेस में मिलाते ही मान। आइए हम लोग देखते हैं, हम भाई हमने नेचुरल इंडिकेटर देख लिया और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर देख लिया, अब हमने क्या बचा, अब सिंथेटिक इंडिकेटर देखना है। तो भैया देखते हैं, अब देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर होता क्या है, ध्यान समझिए, ये हमारा इंडिकेटर का लास्ट पॉइंट है, ठीक है। इंडिकेटर आर द सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी एंड विद द सिंथेसिस। अब इंडिकेटर यदि हम बात करें तो लेबोरेटरी में ज़्यादा किए जाते हैं, ठीक है, हम आमतौर पर नहीं कर सकते, क्या करें लैब में ही किए जाते हैं। एग्जाम्पल याद नहीं, फिनॉल पिथेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज, मतलब दो ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिसको क्या करेंगे, करना है, ठीक है। ये हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया है, तो हमें दुई दिया तो दुई ही करना है, ठीक है। मेन हम लोग यही पर कि भाई जो एनसीईआरटी पेपर कराएगी सीबीएसई उसी के पर्पज से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं पहले, आप देखिए मैंने फिनॉल पिथेलिन में क्या होता है, कहते हैं वो कलरलेस होता है। देंगे देंगे डायग्राम में देखिए, ये डिब्बे तरह दिखना है क्या, फिनाइल पेथेलिन है, ठीक है, वो कैसा है, कलरलेस होता है। यदि कह रहा है रिमेन द कलरलेस विद द एसिड, यदि मैं इसको एसिड में मिलाऊं, ठीक है, तो क्या होता, कोई चेंजिंग नहीं होता, कैसा कलरलेस, तो कलरलेस ही रहेगा, कोई परवाह। लेकिन यदि मैं इसको बेस में मिलाऊं, ध्यान दीजिए बेस में मिलाते ही मान क्या हो जाता है, पिंक कलर में शो करने लगता है, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब यदि यदि हम डालें एसिड में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, यदि बेस में डालते तो चेंजिंग होगा, और चेंजिंग होगा तो किस कलर का दिखेगा, भाई पिंक कलर का दिखेगा। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं। आइए हम लोग देखते हैं मिथाइल ऑरेंज का देखते हैं। आइए देखिए द मिथाइल ऑरेंज इज द ओरिजिनली ऑरेंज इज कलर। अब मिथाइल ऑरेंज किस कलर में देखता है, ओरिजिनली ऑरेंज इस कलर में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए डब्बे में हमारा, देखिए अच्छा डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यदि मैं कहूँ एसिड में मिलाने पे, इसको इसमें मिलाने में तो किस कलर का बन जाता है, रेडिश रेड कलर में बन जाता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यदि हम उसके बाद बेस मिलाते हैं तो किस कलर, येलो विद में बन जाता है, किस कलर में, येलो कलर में हो जाता है। ध्यान दीजिए मैंने कहा मिथाइल ऑरेंज को एसिड मिलाएंगे, किसमें मिलाएंगे, एसिड मिलाएंगे, कोई दिक्कत। यदि आप एसिड में मिलाते हैं तो किस कलर का हो जाता है, रेड कलर में हो जाता है, कोई दिक्कत। यदि हम इसी को बेस में मिला दें तो किस कलर का हो जाता है, येलो कलर में, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कहने का मतलब है ये फिनाइल पेथिलीन जो होता है यदि एसिड से मिलता है तो कलरलेस हो जाता है, और बेस मिलाता है तो क्या पिंक कलर का शो करने लगता है। पिंक कलर शो का कहता है दिखता है, भाई शो करना मतलब दिखाना नहीं होता, दिखेगा आपको तभी बताएंगे भाई पिंक कलर का है।
यदि हम यदि मिथाइल ऑरेंज की बात यदि एसिड में जाता है वो किस कलर का हो जाता है, ऑरेंज से टू रेड हो जाता है, लेकिन यदि बेस से मिलाए तो ऑरेंज से क्या बन जाता है, येलो बन जाता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई आप हमने अब देखिए हमारा ये डायग्राम, डायग्राम क्या है मैंने लिखा है, मैंने जितनी हम लोग तीन इंडिकेटर में पढ़े हैं तो हमने पहले पढ़ा था रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर क्या होता है, जब ओरिजिनल इतना रेड कलर जब एसिड में जाता है तो क्या करता है, कोई चेंजिंग नहीं। तो ध्यान दीजिए, मैंने एक बात ध्यान दीजिए, मैंने कल लिटमस पेपर की बात की थी। ओके, लिटमस पेपर हमारे दो होते हैं, एक रेड होते हैं एक ब्लू होते हैं। ठीक है, यदि जो रेड है वो क्या होता है, वो एसिड में ना चेंज होके क्या होता है, बेस में चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? तो कहने मतलब यदि रेड है एसिड में जाए कोई चेंजिंग नहीं होगा, और बेस में जाएगा तो चेंज होगा, किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर में हो जाएगा। आइए हम ब्लू लिटमस पेपर की बात करें, तो ओरिजिनली किस कलर का होता है, ब्लू कलर का दिखता है। ओके, अब देखिए एसिड में चेंज होता है वो किस कलर का हो जाता है, रेड कलर, रेड नहीं लिखा है ध्यान दीजिए, ये देखिए रेड कलर में हो जाता है, और बेस में क्या गया, कोई चेंजिंग नहीं होता। यानी और टर्मरिक जानी गया तो मैंने एक येलो कलर का होता है, जब एसिड में जाता है तो कोई चेंजिंग नहीं होता। क्यों, जैसे मैंने कहा तो हल्दी में यदि मैं एसिड डालता हूँ तो क्या होता है, वैसे ही रहता है, जैसे लेमन मैंने अभी जूस बताया था, यदि डाल कोई, लेकिन यदि मैं बेस में वाशिंग सोडा या वाशिंग पाउडर को यदि डालूँ तो किस कलर में हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर में हो जाता है। ओके, नहीं तो आप घर में प्रैक्टिकली करेंगे तो दिखेगा। ठीक है, चलिए ये अब रेड कैबेज, अब रेड कैबेज मैंने कहा था वो ओरिजिनल के कैसे कलर होता है, पर्पल कलर में होता है, और एसिड में जान के जाके त्याते मगर क्या होता है, रेडिश कलर हो जाता है, और ये जाके क्या ग्रीनिश हो जाता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब फिनॉल पिथिलीन में देखिए क्या होता है, ऑलरेडी वो कलरलेस होता है, जब एसिड में जाता है तो कोई चेंज नहीं होता, जब कोई चेंज ही नहीं हुआ तो भैया वो कलरलेस ही है। यदि वो बेस से मिलाता तो किस कलर का हो जाता, पिंक कलर का। ठीक है, जो अभी मैंने लास्ट में समझाया था आपको। ठीक है, आइए देखिए मिथाइल ऑरेंज की बात करें, ये ऑलरेडी किस कलर का होता है, ऑरेंज ही कलर का होता है, जब वो एसिड में जाता है तो रेड कलर का शो करता है, और बेस में जाता है तो येलो कलर का शो करता है। ठीक है, अब जानते हैं ऑनियन और वनीला जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ठीक है, अब जान लीजिए देखिए, अब डायरेक्ट आपको याद करना है तो क्या भाई, एसिड में जाता है तो कोई चेंजिंग नहीं होता, और वो भी जो वनीला भी क्या जाता है एसिड में, कोई चेंजिंग नहीं होता, लेकिन सॉरी हाँ मतलब कलरलेस होते हैं, सॉरी यहाँ नो चेंज होते हैं। ठीक है, एसिड में, लेकिन स्मेलिंग क्या होती थी, धीरे धीरे क्या होती, कम होने लगती, किस में या बेस में, दोनों जाने तुम्हारे बेस में जाते क्या करते हैं, अपनी खुशबू क्या करती, कम करने लगती, या खुशबू समझो या बदबू समझो बात एक है, तो अपना क्या होगा, कम करने लगती। ठीक है, आई होप हमारे ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज से हमारा ये लेक्चर स्टार्ट हो गया है, अब हम रेगुलर ये अपलोड करेंगे वीडियो को। ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा हो सकेगा कि हम नवंबर तक आपसे पहले पहले क्या करें, कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम करना होगा, उसमें ये क्या है चैप्टर आएगा। ठीक है, धन्यवाद।